हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मामूद। आप देख रहे हैं करंकिया वाले YouTube चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास में ये है डीप फ्रीजर का कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, ये वोल्टास कंपनी का है। तो दोस्तों, ये बंगला हाट में ही किसी दुकानदार का जो है कि डीप फ्रीजर खराब हो चुका था, तो यानी कि उसके अंदर का जो कंप्रेसर है वो खराब हो गया था। तो डीप फ्रीजर के अंदर में जो नया वाला कंप्रेसर है वो लगा दिया गया है। और दोस्तों, ये जो पुराना वाला जो कंप्रेसर है जो कि खराब हुआ है, इसको मैंने ले लिया है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों को इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं कि ये जो कंप्रेसर है इसके अंदर में क्या मैकेनिज्म है, यानी कि इसको जो इसका खोपड़ी है, इसको खोपड़ी को जो है कि दोस्तों हम ग्राइंडर के थ्रू कटिंग करके इसको बाहर निकालेंगे। और इसके अंदर में दोस्तों क्या मैकेनिज्म है, यानी कि ये जो कंप्रेसर है किस तरह से काम करता है, यही सब बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए ना करिए, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमें जो है कि आप लोगों के सपोर्ट का जरूरत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो। तो दोस्तों, इसके अंदर में दोस्तों अभी क्या है कि तेल रहता है, यानी कि ऑयल रहता है, तो उसको दोस्तों हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसके अंदर का तेल को निकालते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर से कैसा तेल निकला। और इसके बाद जो है कि इसका खोपड़ी खोलेंगे, तो वो लोग आप लोग जो है कि उस चीज को वीडियो में देख ही पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक। हीट बहुत होता है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, इसमें हमने जो है कि कुछ तेल निकाल के रखा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर में तेल है। अगर इस तेल को बाहर नहीं निकालते हैं दोस्तों, हमें इसको कटिंग करने में दोस्तों परेशानी होगा, क्योंकि जो है कि तेल आसपास जो है कि दोस्तों बिखर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसके अंदर से जो है कि मैं पहले तेल है इसको निकाल लेता हूँ, और देखते हैं कि कितना सा इसके अंदर से तेल निकल पाता है, निकलता भी है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर जो है कि तेल इसके अंदर से निकल रहा है, और कितना सा निकलता है यहाँ पे देख लेते हैं। और ये तेल दोस्तों किस काम में आएगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर किसी भी सज्जनों को इसका ज़रूरत है इस तेल का, तो वो आप हमसे जो है कि संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको इधर से उधर से घुमा फिरा के जैसे भी होता है इसका प्रॉपर तेल जो है इसका निकाल लेते हैं, ताकि हमें ये आगे में परेशानी जो है कि क्रिएट ना करे। ठीक है, किसी भी तरह का। तो दोस्तों, इसको हमने जो है कि चारों तरफ से घुमा फिरा करके इसके अंदर से तेल को निकाल लिया है। तो अब जो है कि दोस्तों थोड़ा बहुत इसके अंदर रहेगा ही, पूरा जो है कि पूरा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, इतना से जो है कि हमने इसके अंदर से ये ऑयल को निकाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल काला हो चुका है, ऐसा काला नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये तेल जो है दोस्तों ये खराब हो चुका है। ठीक है, तो अभी दोस्तों चलिए, अभी हमने जो है कि इसके अंदर से तेल निकाल लिया, अब जहाँ पे बारी है इसको कटिंग कर। यहाँ पे यूज हो चुका है। और दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि हम जो है कि एक ब्लेड हमारा यहाँ पे प्रॉपर जो है कि दोस्तों खत्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे हमने कटिंग यहाँ से स्टार्ट किया था, और हमारा जो कटिंग है वो यहाँ तक हो पाया। देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि यहाँ तक हमारा जो कटिंग है वो देख सकते हैं, यहाँ तक जो है कि हमारा कटिंग लगभग दोस्तों इसका जो है कि तीन हिस्सा कटिंग हो चुका है। अभी एक हिस्सा जो है कि इसका कटिंग होने के लिए बाकी है। तो अभी हम फटाफट से ब्लेड लगा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों जो भी हिस्सा बाकी है इसका उसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस काम को आप लोग घर पे ट्राई करने का कोशिश ना करें। और दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ जो मैं ग्राइंडर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों हमने कोई भी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट जो है कि दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर इस चीज़ को कभी भी ट्राई ना करें। ठीक है, we'll be right back.
तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर कटिंग कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने इसका ढक्कन नहीं हटाया दोस्तों। इसके अंदर में क्या है अगर आप लोगों को देखना है तो अभी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, तब जाकर के मैं इसका ढक्कन को हटाऊंगा। आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आपने लाइक किया। तो दोस्तों चलिए इसको खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर में जो है दोस्तों क्या मैकेनिज्म है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसका ये ढक्कन खुल चुका है अभी दोस्तों। इसके अंदर में ये इतना सारा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसको प्रॉपर यानी कि इसके अंदर से बाहर निकालने के लिए, तो अभी मैं यहाँ पे नज़दीक से आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर में कॉयल है, तो ये यानी कि जो पूरा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये दोस्तों एक तरह से जो है कि इसको पंप हम समझ सकते हैं। तो कंप्रेसर के अंदर में दोस्तों जहाँ पर भी कंप्रेसर का काम होता है या फिर जहाँ पर भी कंप्रेसर लगा हुआ होता है, यानी कि नॉर्मल तरीके से अगर हम देखना चाहे तो एक कंप्रेसर के अंदर में दोस्तों जो है कि मोटर होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल मोटर होता है, जो कि हमारा जो हवा है या फिर हवा को कंप्रेस करना हो या फिर जो है कि दोस्तों किसी भी लिक्विड फॉर्म का कोई भी पदार्थ हो उसको दोस्तों अगर कंप्रेस करना हो तो हमें जो है कि एक जो है कि पावरफुल मोटर का जरूरी पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये है पिस्टन, ठीक है। ये दोस्तों यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ पे कॉयल है, इसके अंदर में करंट जाने के बाद दोस्तों ये जो है कि पिस्टन अप डाउन करता है। और किसी भी जगह पे दोस्तों अगर हमें कंप्रेसर बनाना है, एयर कंप्रेसर या फिर जो है कि जो भी लिक्विड फॉर्म से चलाने वाला कोई भी कंप्रेसर हो, तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है कि देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से जो है कि मोटर चलता है, तब जाकर के यहाँ पे जो है कि हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है, यानी कि जो है कि ये हमारा जो है कि कंप्रेसर प्रॉपर वर्क करता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी इसके अंदर में टिका हुआ है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या चीज़ बाहर निकलता है। और दोस्तों हम जो है कि इसको यहाँ पे मैंने आप लोगों को कटिंग करके दिखा दिया है, अब दोस्तों इसको हम किस यूज में ले सकते हैं, इसका जो है कि दोस्तों हम आगे क्या काम कर सकते हैं, तो इसको जो है कि दोस्तों देखेंगे आगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि इस वाले यानी कि ये जो खराब हुआ था दोस्तों, तो ये खराब कैसे हुआ, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे इसमें बीमारी यहाँ पे देख सकते हैं कि है ये बीमारी, तो बीमारी इसमें यही है कि ये देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहे, देख सकते हैं इसको जो हम अंदर कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये लॉक लगा हुआ है ना ये वाला, तो ये देख सकते हैं ये अंदर चले जा रहा है, ये ऑटोमेटिक अंदर चले जा रहा है, इसको अंदर नहीं जाना चाहिए था, ये जो है कि इसको पिस्टन को साथ लेकर के इसको अंदर जाना चाहिए था, देख सकते हैं ये। तो इतना साइज दोस्तों ये फॉल्स है, इसके वजह से दोस्तों मिस्त्री ने बोला कि ये जो है कि दोस्तों प्रॉपर खराब हो चुका है, यानी कि ये काम नहीं कर रहा, तो नया इसमें जो है कि दोस्तों लगा दिया गया। तो इसको हम कोई सी और यूज़ में भी दोस्तों ले सकते हैं आगे चल के। तो इसके अंदर से सबसे पहले इसको हम बाहर निकालते हैं, तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे पाइप है, इसको कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस काम को कभी भी अपने घर पे ना करें। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि ये वायर है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो हमारा कॉइल है वो प्रॉपर बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक का सिस्टम मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, तो इसका लॉक को जो है हटा के देखते हैं पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये है इसका लॉक का कंडीशन, इस तरह से यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये अंदर के साइड तीन पिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे बाहर में भी आपको तीन पिन दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे पिन दिखा, तो सेम यही तीनों पिन में दोस्तों जो हमारा ये कंप्रेसर का जो वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो दोस्तों इसको मैंने जो है कि चलाने का कोशिश किया था, इसके अंदर में दिखा, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो कंप्रेसर है यानी कि पूरा कॉइल है वो इस स्प्रिंग पे यहाँ पे टिका हुआ रहता है, ठीक है। तो एक स्प्रिंग और होना चाहिए यहाँ पे, देख सकते हैं ये रहा स्प्रिंग, तो इस स्प्रिंग पे दोस्तों हमारा जो ये पूरा कॉइल है यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर ये यहाँ पे टिका हुआ रहता है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर खोल लिया है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो है कि यहाँ पे कंप्रेसर यानी कि पिस्टन लगा हुआ है, तो ये अप डाउन होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है कि वैक्यूम क्रिएट होता है, चाहे वो आप जो है कि किसी भी दोस्तों लिक्विड फॉर्म में चाहे यहाँ पे किसी चीज़ को कंप्रेस करना हो या फिर जो है कि एयर को कंप्रेस करना हो, तो अगर पिस्टन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पिस्टन है, तो ये ऊपर का ढक्कन हमने दोस्तों आप लोगों को खोल करके दिखाया, ठीक है, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो यानी कि अप और डाउन करेगा, तो इसको चलाने के लिए चाहे तो यहाँ पे आपके पास में मैकेनिकल जुगाड़ होना चाहिए या नहीं तो फिर जो है कि कोई इलेक्ट्रिकल जुगाड़ होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि इस कंप्रेसर के अंदर में क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को वायर भी दिखाया था पहले, तो ये देख सकते हैं ये करंट वाला वायर है,
तो यानी कि इसके में दोस्तों हमें जो है कि 220-230 वोल्ट जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों इसमें सप्लाई देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये जो है कि हमारा ये देख सकते हैं इसके अंदर में जो आर्मेचर लगा हुआ है, ये आर्मेचर दोस्तों रन करता है और यहाँ पे जो है कि हमारा जो पिस्टन है वो प्रॉपर अप और डाउन कर पाता है। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है वैक्यूम क्रिएट होता है, यानी कि हमारा जो है कि कंप्रेसर पूरा जो है कि कंडीशन में वर्क करता है। तो इसके अंदर में दोस्तों क्या था ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर दिखा दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।